सब्सक्राइब कीजिए टैक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाइए लेटेस्ट टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका और आप देख रहे हैं टैक्सेशन गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट सर्विस के बारे में, जो कि बताया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 60 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। दोस्तों जैसा कि हम लोगों का जो भी हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं अपने इन वीडियोज में, वो सभी टॉपिक पूरी तरीके से कम्प्लीट होते हैं, पूरी तरीके से डिटेल्ड में होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे कुछ लिंकेज की बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे कि कुछ जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डेफिनेशन कवर की थी उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आज हम लोग जब इनपुट सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा कि नाम से है इनपुट सर्विस, तो यहाँ पे सर्विस के बारे में भी बात जरूर होगी। तो इसके लिए आपको सर्विस की डेफिनेशन को भी मालूम करना जरूरी है कि सर्विस किसे कहते हैं, तभी आप जान पाएंगे कि इनपुट सर्विस क्या चीज होगी। तो दोस्तों वैसे तो हम लोग जो भी इन वीडियोस में बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर से सर्विस के बारे में ब्रीफ कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे इनपुट सर्विस है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से सर्विस के बारे में ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं, तो आपको डिटेल में जानने के लिए उसी सर्विस की डेफिनेशन जो कि हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 102 में बात किया था, उसको आपको देखना होगा। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं दोस्तों, वो आपको राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करते ही उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग ये जो टॉपिक है टैक्सेशन का जीएसटी को कर रहे हैं, इसमें अगर आप दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आपको अनइजी फील होता हो कि जब हम लोग लिंकेज करते हैं कि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं या आप उन टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको बिल्कुल भी अनइजी होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इजी रहें, बिल्कुल स्टेबल रहें, क्योंकि मैं आपको सभी चीजें वापिस से ब्रीफ कर देता हूँ अपने आगे आने वाले सभी वीडियोस में। दोस्तों यही तो जीएसटी का, यही तो टैक्स का मजा है कि लिंकेज होना, एक दूसरे से कनेक्शन स्टैब्लिश करना, एक दूसरे से लिंकेज स्टैब्लिश करना ही तो, जब आप लिंकेज करने लगेंगे तब आपको टैक्स में और ज्यादा मजा आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर नहीं किया है, तो इनको जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पे या ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिससे आप फ्री में जीएसटी की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इनपुट सर्विस की डेफिनेशन, जो कि दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 60 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, और इसमें लिखा है इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विस, यानी कि इसके लिए आपको पहले सर्विस को जानना होगा कि सर्विस क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विस यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों इस इनपुट सर्विस की डेफिनेशन को बात करने से पहले हम लोग सर्विस को जान लेते हैं कि सर्विस किसे कहते हैं। तो दोस्तों सर्विस का मतलब, जब हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 102 में बात किया था, सर्विस का मतलब वहां लिखा था कि सर्विस मतलब एनीथिंग, लेकिन वो गुड्स नहीं होना चाहिए, वो मनी नहीं होना चाहिए और वो सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा जितनी चीजें बची वो सारी चीजें सर्विसेज बन जाएंगी। दोस्तों वहां पे जो सर्विस की डेफिनेशन है जीएसटी में, वो बहुत ही वाइड है, इसका स्कोप जो है बहुत ही वाइडर है, वास्ट है, कि जो भी चीजें गुड्स नहीं, सिक्योरिटीज नहीं और मनी नहीं, वो सारी चीजें सर्विसेज होंगी। तो दोस्तों इस हिसाब से किसी सप्लायर ने जो कि इनपुट रिसीव करता है, इनपुट एक्वायर करता है, इनपुट परचेज करता है, और वो गुड्स नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, मनी नहीं है, तो वो इनपुट सर्विस बन जाएंगी, बीइंग अ सर्विस, क्योंकि वो सर्विस बन रही है इसलिए फिर वो इनपुट सर्विस भी बन जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि उसे सर्विस होना पड़ेगा, यानी कि वो कोई चीज जो इनपुट सर्विस की मीनिंग को कंप्लाई करना चाहती है, इनपुट सर्विस की डेफिनेशन को कंप्लाई करना चाहती है, उसको पहले उसके लिए सर्विस बनना होगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि ये यूज हो रही हो या यूज होगी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यही कंडीशन दोस्तों इनपुट में भी थी और यही कंडीशन इनपुट सर्विस में भी है। अगर आप पहले का पुराना लॉ, यानी कि जो पहले सर्विस टैक्स, वैट, ये लॉस थे, अगर आप उसको जानते हो, तो वहां पे बहुत ही लोचा था इनपुट सर्विस को लेकर कि कोई चीज इनपुट सर्विस कब बनेगी। तो वहां पे अगर गुड्स सप्लायर ऑफ गुड्स के बारे में बात करें, तो जो रिमूवल ऑफ गुड्स होता था वहां तक ही, वहां दोस्तों रिमूवल ऑफ गुड्स का एक कॉन्सेप्ट होता था, तो रिमूवल ऑफ गुड्स तक के पॉइंट पे ही जितनी सर्विस होती थी केवल उन्हीं को इनपुट सर्विस माना जाता था, बाकी को नहीं। लेकिन अब जो करंट एग्जिस्टिंग लॉ है, यानी कि जीएसटी, इसमें अप टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स
और सर्विसेज टू द रिसिपिएंट, वहां तक की भी जो इनपुट सर्विसेज होती हैं उन सभी सर्विसेज को इनपुट सर्विस बनाया जा सकता है, उन सभी को इनपुट सर्विस बनाने के लिए क्वालिफाई कराने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही दोस्तों इनपुट के जैसे इनपुट सर्विस में भी यहाँ पे सप्लायर वर्ड ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए ये इनपुट सर्विसेज बनाई गई हैं या सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए ही इनपुट सर्विसेज होंगी कोई सर्विस। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सप्लायर हो, चाहे वो गुड्स का सप्लायर हो, चाहे वो सर्विसेज का सप्लायर हो, या गुड्स एंड सर्विसेज बोथ का सप्लायर हो, सभी के लिए इनपुट सर्विस यानी कोई भी सर्विस इनपुट सर्विस बन सकती है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो कि बताई गई है इनपुट सर्विस के बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 60 में, जिसमें कि बताया गया है कि इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विस व्हिच इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि सप्लायर के द्वारा उसे यूज किया जा रहा हो या यूज किया जाएगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, यानी कि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही वो हो, या तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजों के लिए उसको ले रहा हो, तो उसको हम लोग इनपुट सर्विस कहेंगे उन सर्विसेज को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें बताई गई जो नॉलेज है, जो डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया, वो आपको समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों अपना कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक, यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।